ये पांच क्रिकेटर दुनिया में कई सारी गर्लफ्रेंड रखने के लिए बदनाम हैं। इनके लिए लड़कियां बहुत ही आम हैं। ये नई नई लड़कियों को प्यार करते हैं, अपने आप को खुश करते हैं, पैसा और पावर को रोब दिखाकर ये पहले उनको अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, कुछ दिनों तक मौज मस्ती करते हैं, फिर एक नई लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। पहले नंबर वाला तो लड़कियों को कपड़े की तरह बदलता है। नंबर 5, श्रेयस अय्यर। इनका नाम कई सारी लड़कियों के साथ जुड़ता आया है। अपने क्रिकेट के लिए जाने जाने वाला ये खिलाड़ी मौज मस्ती करने में भी पीछे नहीं हटता। कभी कभी धनाश्री वर्मा, जो कि युजवेंद्र चहल की पत्नी है, उनके साथ भी इनका नाम जुड़ा दिखाई पड़ जाता है। आपको बता दें कि डांस क्लास में सबसे ज्यादा मौज करने वाला खिलाड़ी अगर कोई है तो वो अय्यर ही हैं। कहा जाता है कि डांस के बहाने ये ऊला ऊला कर देते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता। अब तक कई लड़कियों के साथ इनकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। मतलब भाई फुल मजे लेता है। नंबर 4, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत कितने बड़े खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया जानती है। कई बार इनका नाम उर्वशी रौतेला के साथ जुड़ चुका है, तो कई बार अलग अलग बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस के साथ भी इनका नाम सुर्खियों में रहता है। बीते कुछ वक्त से ऋषभ पंत का नाम ईशा नेगी के साथ काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। माना जा रहा है कि पंत ईशा से ही शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी खूबसूरती कमाल की है। बता दें कि पंत का नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ये दिल के साफ इंसान है। खबर है कि ये जल्दी ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। नंबर 3, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ के क्रिकेट करियर पर ग्रहण लगा हुआ है। इनको किसी भी सूरत में टीम इंडिया में शामिल नहीं किया जा रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब भारतीय टीम में मौजूदा समय में कई सारी खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। ओपनर के लिए जगह ही नहीं बची है, और ऐसी कोई खास बात पृथ्वी शॉ में नहीं है जिसकी वजह से इनको एक्स फैक्टर मानकर टीम में शामिल किया जाए। अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी को भी मौका नहीं मिल रहा है, तो बहुत कम ही उम्मीद है कि कभी इनको मौका मिल पाएगा। मगर आपको बता दें कि भले ही क्रिकेट में अपना हाथ मौजूदा समय में पृथ्वी जमा नहीं पा रहे, लेकिन लड़कियों के साथ खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग लड़कियों का नाम इनके साथ जुड़ता रहता है। नंबर 2, ईशान किशन। ईशान को भी टीम इंडिया में अपनी वापसी का इंतजार है। ईशान किशन लंबे वक्त से टीम इंडिया में आने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर BCCI ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर कर रखा है, और अब उनको सबसे पहले घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। रणजी क्रिकेट में अगर वो अच्छा कर पाएंगे तो उनके लिए टीम में रास्ते बन पाएंगे। मगर आपको बता दें कि ईशान किशन पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं ताकि वापसी टीम में हो जाए, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ भी उनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती रहती है। ईशान किशन का नाम आदित्य हुंडिया के साथ इस समय जुड़ रहा है। नंबर 1, शुभमन गिल। चौंकिए नहीं, इस समय सबसे ज्यादा चर्चित खिलाड़ी अगर कोई है तो वो गिल ही है, क्योंकि इनका फॉर्म ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन दिल जीतने की बात अगर करोगे तो गिल ने कई सारी लड़कियों का दिल जीतने का काम किया है। कभी सारा तेंदुलकर के साथ, तो कभी सारा अली खान के साथ इनका नाम अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, और अब तो रिधिमा पंडित के साथ भी शुभमन का नाम जुड़ता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि गिल तो लड़कियों को कपड़े की तरह बदल रहे हैं। हालांकि क्या इसमें कोई सच्चाई है, इस पर हम तो कुछ नहीं कहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या गिल को अब शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।